चल जाए रे, ए भंवर बीच नैया राम डूबल जाए रे, भंवर बीच नैया डूबल जाए रे, काम क्रोध सब खेलत भंवर बीचे, काम क्रोध सब खेलत भंवर बीचे, लोभ पवनवा झकोरे पूरवैया डूबल जाए रे, भंवर बीच नैया राम डूबल जाए रे, भंवर बीच नैया डूबल जाए रे, नव सव धार ये अगम बहे नदिया, नव सव धार अगम बहे नदिया, वही अवसर कोई लागे ना सहैया डूबल जाए रे, वही अवसर कोई लागे ना सहैया डूबल जाए रे, भंवर बीच नैया राम डूबल जाए रे, कौन लकड़िया नैयारे तुम्हारी बंदी, कौन लकड़िया के नैया तुम्हारी बंदी, कौन नाम कर रहल खवैया डूबल जाए रे, कौन नाम कर रहल खवैया डूबल जाए रे, भंवर बीच नैया राम लकड़िया की नैया हमरी, पांचों तत्व के लकड़िया की नैया हमरी, सतगुरु बाबा बिना कोई ना खवैया डूबल जाए रे, सतगुरु बाबा बिना कोई ना खवैया डूबल जाए रे, भंवर बीच नैया राम डूबल जाए रे, भंवर बीच नैया डूबल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्पष्ट है कि जटिल सामाजिक स्थितियों में सदा से ही अवतरित हुआ है एक प्रकाशपुंज मनुष्य के रूप में। पंद्रहवीं शताब्दी में भी सामाजिक वातावरण को हिंसा, ढोंग, व्यभिचार, सत्ता लोलुपता इत्यादि के तूफानों ने झकझोर रखा था, और उसी समय वाराणसी के लहरतारा ताल के एक कमल पुष्प के पास उपलब्ध होता है एक शिशु कबीर। यही है वो स्थान जहां मीलों हिलोरें लेता हुआ लहरों भरा एक तालाब था लहर तारा, अब यहां बस्ती है। यह स्थान उस टीले का है जहां कबीर को पाने के बाद नवदंपत्ति नीरू और नीमा ने उठा कर रखा था। कबीर के जन्म से संबंधित अन्य किंवदंतियों को छोड़ दें तो नीरू और नीमा ने उन्हें पालने के बाद पालपोस कर बड़ा किया।
कबीर चौरा वाराणसी का वो स्थल जहां नीरू नीमा की झोपड़ी थी, अब उसी स्थान पर सामने ही बनी है उन दोनों की समाधि। ये गुंबज का वो हिस्सा है जो नीरू नीमा की समाधि के पुराने भवन के ऊपर विन्यस्त था। आज इस रूप में यह स्थल सैकड़ों हजारों के मानस की श्रद्धा स्थली है। ये वो स्थान है जिसे कबीर मठ कहते हैं। बड़े होकर कबीर साहब ने इसी स्थान को अपनी बैठक बनाया। कबीर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले संत थे। धर्म की लोक धर्मिता को उन्होंने नकारा और कर्म को महान बताया। अमहक भैली जगल खवाए हम, जात कुटुम सब ताना मारे, जात कुटुम सब ताना मारे, तज कुल लजिया हो फकीर संग मखैली जगल खवाए। इस स्थान के कण कण से कबीर की बानियां मुखरित होती हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, धाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीर के पंथ पर बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए कबीर ने स्वयं कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ। शोषित एवं उपेक्षित निम्न वर्ग को देखकर कबीर ने कहा, घर घर दीपक बरे, कटई नहीं अंध है। सब कुछ देखते समझते और कहते हुए भी कबीर सद्गुरु की आवश्यकता महसूस करते थे। यह पंचगंगा घाट है ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। संतों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत कबीर के गुरु रामानंद का निवास स्थान था। रामानंद स्नान करने के लिए प्रत्येक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इस घाट पर आया करते थे। संत कबीर जब युवक थे, जब उनमें भक्त के प्रति साधना के प्रति रुझान जागृत हुई, तब उन्होंने चाहा कि किसी महत्वपूर्ण गुरु के शिष्य बन जाए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया और रामानंद के आश्रम तक पहुँचे। रामानंद उन दिनों भक्ति की दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध संत थे और वहाँ पर सभी विचारक और संत एकत्र हुआ करते थे। जुलाहे के बेश में संत कबीर वहाँ पहुँचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानंद को थोड़ी सी कठिनाई होती है और शिष्यता नहीं प्राप्त होती। अंततः कबीर ने तय किया कि इस व्यक्ति से मुझे कहीं ना कहीं दीक्षा प्राप्त ही करनी है। इसलिए उन्होंने एक दिन निश्चय किया और ब्रह्म मुहूर्त में आकर पंचगंगा घाट की इन्हीं सीढ़ियों पर किसी सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद जी स्नान करने के लिए उतर रहे थे, उनके चरणों का संत कबीर के शरीर से स्पर्श हुआ और उनके मुंह से राम राम शब्द निकला। कबीर ने इसे ही राम मंत्र के रूप में स्वीकार किया और
जिस द्रावड़ी भक्ति का प्रचार संत रामानंद जी कर रहे थे उसे सप्तद्वीप नौखंड में उन्होंने प्रसारित किया। संत कबीर मध्यकालीन संतों में सर्वाधिक प्रासंगिक संत हैं, इसलिए नहीं कि वे बहुत बड़े तपस्वी या साधक थे, इसलिए नहीं कि ईश्वर से उनका सीधा साक्षात्कार हो चुका था, इसलिए नहीं कि उनके आसपास एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, इसलिए नहीं कि तमाम तरह के विवादों और चमत्कारों के लिए उन्हें यश प्राप्त हो गया था, बल्कि इसलिए कि उस समय की पूरी आदमियत के लिए, जमात के लिए, मनुष्यता के लिए उन्होंने धर्म की भाषा में संघर्ष किया। हिंदू और मुस्लिम को एक करके देखना चाहा उन्होंने। शेख हों चाहे ब्राह्मण, मुल्ला हों या पंडित, सबके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। मंदिर हो या मस्जिद, सबकी व्यवस्था के प्रति उन्होंने एक आघात का स्वर, एक आघात की भाषा आविष्कृत की। गुनगुन रहिया बिगल मोर भाई, गुनगुन रहिया बिगल मोर भाई, गुनगुन रहिया ओ नदी किनारे गौवै मर गई मछरी चुन चुन खाई, तमन मछरिया हिंदू कई कहाँ गई नहीं आई, दोनों जने रहिया बिगल मोर भाई, दोनों जने रहिया बिगल मोर भाई, दोनों जने। नदी किनारे सुअरा मर गए मछरी चुन चुन खाई, नदी किनारे सुअरा मर गए मछरी चुन चुन खाई, कमन मछरिया तुर का खैले कहाँ गई तुर काई, सुनो जने रहिया बिगल मोर भाई, सुनो जने रहिया बिगल मोर भाई, सुनो जने। नीच कर्म कर उमर बिताए फिर पीछे बताई, कर्म कर उम्र बितायो फिर पीछे पड़ताई, कहल कबीर सुनो भाई साल धो अब का गयालु फिर बहुर के नयाई, सुनो जने रहिया अब का गयालु फिर बहुर के नयाई, कबीर के जीवन दर्शन की द्योतक उन्हीं के नाम से प्रचलित कुछ पंक्तियां हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना ये तथ कथहु ज्ञानी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार, ताते या चाकी भले पी सिखाए संसार। अपनी बात को जनजीवन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जनजीवन की अभिव्यक्ति प्रणाली का अन्वेषण और इस्तेमाल जरूरी समझा। अपनी वाणी के विषय में उन्होंने स्वयं कहा है, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, आत्म ज्ञान बिन जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। अनुश्रुति है कि उन्हें रामानंद की माला मिल गई थी और किसी चमत्कारी गोरखपंथी को पराजित करने के बाद विजय के प्रतीक के रूप में उन्हें ये गोरखपंथी त्रिशूल मिला था। यह है उनके काठ की हंडिया और खड़ाऊं। संग की हमरे सात सहेलिया, संग की हमरे
साथ सहेलिया ना मालूम कुछ उनसे कहीरी मोरा बलमान। कबीर चौरा वाराणसी के कबीर मठ के तीन प्रमुख अंग बीजक मंदिर, समाधि स्थान और नीरुटीला, इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा पुस्तकालय जिसमें कबीर साहित्य से संबंधित अधिकांश प्रामाणिक हस्तलेख और प्रकाशित पुस्तकें एकत्र हैं। संत कबीर के मौखिक शब्द परंपरा को उनके जीवन काल में ही उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्वयं कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन 6 लाख से ऊपर रमैनियों और शब्दों को उनके शिष्यों ने अपनी आस्था और सदगुरु की मर्यादा के अनुसार संग्रहित किया। बीजक इनमें अन्यतम है। कहले कबीर सुनो भाई साधो, कहले कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे ब्याही सुपारी बीजक का पाठ, आरती और पंगत यहाँ के नित्य कार्य हैं। कबीर एक अर्थ में भारत में संपूर्ण क्रांति के उद्गाता थे। उनकी महिमा से विचलित होकर काशी के पंडितों और मुल्लाओं ने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने काशी छोड़ने का निश्चय किया तो उनके मित्र एक व्यास ने काश्याम मरणात मुक्ति की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। कबीर ने जवाब दिया, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो पै राम बस मोर, जो कबीरा काशी मरे रामय कौन ने होर। ये था उस थक्कड़ बेबाक संत का आत्मविश्वास। जब मोरी डोलिया ए जमुना, इसी के बाद वो वीरान मगहर को प्रस्थान करते हैं। मगहर के दिन उनके अंतिम दिन थे। आमी नदी के किनारे एक वीरान उजाड़ और कबीर डेरा डालते हैं। यह स्थान धुनी के रूप में प्रसिद्ध है। फेरा पे करुणा घूम के मुहा में आ गया।
कबीर के निधन के बाद जिस सत्य के लिए वे लगातार लड़ रहे थे वही आड़े आया। हिंदुओं और मुसलमानों ने उन्हें समाधि और कब्र में बांट लिया। हमारी सभ्यता का ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां एक मनुष्य दो धर्मों के प्रतीक पुरुष के रूप में समाधिस्थ है। कहले कबीर हो सुनो भाई साधो, आओ घट घाट नहीं ले जल बल मान नहीं हर मेरा, आओ घट घाट नहीं ले जल बल मान नहीं हर मेरा। कबीर की भाषा जनभाषा है और उनका काव्य जनकाव्य, किंतु सब उनका अनुभूत किया हुआ, इसीलिए उनके स्वर में विद्रोह है। पर वाणी की महत्ता पर वे कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होए। मो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक ए मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा। अकेले में चल जाई अरे सजनू, पांच रंग की पिया दीनी चुनरिया, मन ममता लपटाई मोरे रामा हो, मन ममता लपटाई। सतगुरु धोबी दयालु मिला लई, जन्म जन्म कई दे लई जगिया छोड़ाई। अरे सजनी जन्म जन्म कई दे लई जगिया छोड़ाई। अरे सजनी ससुर में चल आई अरे सजनी, आए एक पन बीतल दुई पन बीतल, तीसरा गयल नग चाई मोरे रामा हो, तीसरा गयल नग चाई। चौथे में पिया गवन ले जई है, नहीं हर एक लोग कोई सलमान जाई। अरे सजनी रे नहीं हर एक लोग कोई संगवान जाई। अरे सजनी रे ससुर में चल जाई, अरे सजनी रे अकेले चल जाई। अरे सजनी बिन डोलिया बिन सहराए साई, घर से कैले विदाई मोरे रामा हो, घर से कैले विदाई। बिन डोलिया बिन कहराए साई, घर से कैले विदाई मोरे रामा हो, घर से कैले विदाई। सूरत लगा के चल ली बहुरिया, आगम सहरिया उतई गैली नग जाई। अरे सजनी रे पिया के दुअरिया उतई गैली नग जाई। अरे सजनी रे सा सुरमा चल जाई, अरे सजनी रे अकेले चल जाई।